So we are standing at the site now. So over to Faisal and Hassan, they will give us an introduction के townhouses के बारे में, उसकी finishing specs, अंदर से जो हम discuss करें, 2 bedroom है, community living है, वो सारी concepts ये अभी आपसे discuss होते हैं. Faisal, over to you. ये देख रहे हैं हम 2 buildings हैं, एक की basically 2 lanes बन रही है हमारी. ये हम मॉडल अपार्टमेंट इसमें रेडी करने लगे हैं क्लाइंट्स के लिए. ये सेंटर में से रोड गुजरेगा, 35 feet का रोड है, इजली आराम से 2 गाड़ियाँ जो है क्रॉस कर सकती हैं इजली. और ये फ्रंट के ऊपर हमारी सारी कार पार्किंग है. ये ग्रे के अंदर हमारा सारा स्ट्रक्चर बन रहा है. आप ग्रे स्ट्रक्चर के बारे में हसन साहब को बताएंगे कि इसमें क्या मामला आता है, क्या फिनिशिंग स्पेसिफिकेशन है. आए हैं व्यूअर्स, आपको थोड़ा सा बिल्डिंग के बारे में थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसकी एलिवेशन के हवाले से, एंड देन ऑनवर्ड हम उसके इंटरनल जो हम लोगों ने इसकी मटेरियल फिनिशेज वगैरह यूज़ की हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं. जैसा कि अभी आप इसकी फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं, बड़ी डिटेल में इसको जनाब पूरा तैयार किया गया. इसमें आप देख रहे हैं कि फ्रंट के ऊपर जो आपकी जो आर्च वगैरह का डिज़ाइन शुरू किया गया है, वो नीचे से कॉलम आके प्रॉपर इसकी फ्रंट एलिवेशन के ऊपर आके नीचे आपको ग्राउंड फ्लोर तक मिलते हैं. और सेकंड, आप ये देख रहे होंगे कि हम लोगों ने थोड़ा सा आर्किटेक्चुरल इंप्रूवमेंट करने के लिए हमने विंडोज को डिजाइन को थोड़ा सा डिफरेंट रखा फ्रॉम ग्राउंड टू सेकंड फ्लोर तक. हमें ये देखने के नीचे जी एग्जैक्टली जी उमर भाई, इस तरह मतलब जो एक कनाल का फ्रंट होता है वो हमें 10 मरला के अंदर ये फ्रंट मिल रहा है. एक्चुअली अब आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ हो डीएचए के अंदर फेज 5 या फेज 6 के अंदर, आज अमूमन तौर पर आपको पता है बिल्डर्स रात घर बना के बेच रहे हैं, तो आपने डबल हेडेड लॉन्च का जो आपने कॉन्सेप्ट देखा हुआ है, दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पे फीलर मिल रहा है. कोई आपको जब आप घर के अंदर एंटर होंगे अपने, तो सेम एक डबल हेडेड का जो एक्सपीरियंस, वो जो एक एलिवेशन मिलती है वो आपको एक्सपीरियंस करवा रही है. अभी तो ये सारी चीज़ें, अभी आपको पता है ये सारी चीज़ें कंपाइल अप हो रही हैं फिनिशिंग में से, ये जो सारा जो आफ्टर मटेरियल है ये सारा वाइंड अप हो जाएगा यहाँ से. तो जब इसका प्रॉपर इसका मॉडल बिल्डिंग जब इसकी तैयार होगी तो आपको प्रॉपर फीलर आएगा कि ये कितनी खूबसूरत है इसको हम लोगों ने तैयार करवाया. जैसा कि बाहर से आपको सारी एलिवेशन हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर ली थी, अभी इंटरनल जो हमारी स्टेयर केस वगैरह के बारे में मैं थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ. जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्टेयर केस के अंदर ट्रॉपिकल ग्रे ग्रेनाइट का यूज़ किया गया, और ये तकरीबन 3.5 से 4.25 feet की हमने स्टेयर केस का हमने जो एरिया इसका रखवाया है, ताकि रीजनेबली 2 लोग इजीली एक दूसरे को कन्वीनियंसली पास आउट कर लें. ठीक है. अच्छा जी, सो वी आर इनसाइड द टाउन हाउस, दिस इज अ 2 bedroom अपार्टमेंट जिसकी हम डिस्कशन अभी कर रहे थे. तो हसन, मुझे थोड़ा सा बताएं वो इसकी क्या फिनिशिंग होगी, क्या आउटलुक होगी, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं अपने जो क्लाइंट हमारे जो इन्वेस्टर है जो ले रहा है. थोड़ा सा मुझे बताएं इस अपार्टमेंट के बारे में कि लाउंज की क्या साइजेस हैं, बेडरूम साइजेस एंड फिनिशिंग स्पेक. लेआउट के बारे में तो आपको डिस्कस कर दिया हुआ था कि 1,007 square feet का हम टोटली आपको नेट एरिया दे रहे हैं. ठीक हो गया, जिसके अंदर हम आपको एक लिविंग एरिया दे रहे हैं, आपको ये दो बेडरूम आपके साथ दे रहे हैं जिसके साथ अटैच वाशरूम्स हैं, इंटरनल वाटर्स वगैरह सारी फिट हुई हुई हैं. ठीक हो गया जनाब. इसके अंदर हम आपका जो आपका ये अमेरिकन स्टाइल में हम आपको ये खाने पकाने वाली जो जगह दे रहे हैं, आपको जो किचन है आपका जी. ठीक है, इसके अंदर आपको पता है कि आपकी शेल्फ वगैरह सारी ऊपर एडजस्ट हुई हुई हैं, जो कि अलनूर की हाई ग्लास के अंदर हमने जो सारा मटेरियल यूज़ किया गया, सारी चीज़ें ब्रांडेड यूज़ की गई हैं. ठीक है, और उसके बाद आपको ये ग्रेनाइट का जो काउंटर टॉप दिया गया है, ठीक है, इसके नीचे भी आपके पास एक्स्ट्रा स्पेसिस दी गई हैं. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, कंसोल ये क्या चीज, व्हाट इज दिस? थोड़ा सा इसको ऐसे किया गया कि हम लोगों ने अपनी रेंडर्ड वीडियोस में और पिक्चर्स में आप जैसा कि आपके शेयर की गई है उसमें इसको स्मार्ट सेक डाइनिंग हम लोगों ने बेसिकली इसको बीच में एडजस्ट किया है. इसके फ्रंट में आपको बस 3 smart chairs आपकी एडजस्ट हो सकती हैं, और बड़ा कन्वीनियंटली मॉर्निंग टाइम पर आपको होता है कि बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट इसके ऊपर मैनेज हो. हमने ओरियंट की टाइल लगवाई है सर, ये पाकिस्तान की मतलब पाकिस्तान में बिकने वालों में से सबसे मतलब मीडियम रेंज के अंदर एक अच्छे ब्रांड में से हम लोगों ने इसको यूज़ किया है. ठीक है जी, और टाइप मतलब प्रीमियम एक क्वालिटी की ये टाइल है. एंड व्हाट अबाउट जो पेंट है? पेंट में हम लोग गॉबीज यूज़ कर रहे हैं, गॉबीज का भी गोल्ड सीरीज यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक इमल्शन यूज़ कर रहे हैं. हम किसी ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर रहे, लेकिन इसमें यह कि इट्स अ गुड ब्रांड, इट्स अ गुड इंपोर्टेड फॉरेन ब्रांड है. एंड वायरिंग हमने किस वायरिंग हम लोगों ने जीएम की यूज़ की है, जीएम केबल की. आपको पता है मार्केट में 3 ही बड़े नाम हैं जिनको न्यू एज है, फास्ट है एंड जीएम केबल्स, तो उसमें ये वाली जो हम लोगों ने वायर यूज़ की है. ठीक है, और जो ये इलेक्ट्रिकल जो स्विचेज हैं ये भी मार्केट के अंदर से जो बेस्ट पॉसिबल प्राइस के अंदर और बेस्ट अच्छी क्वालिटी जिनकी प्रॉमिसिंग क्वालिटी थी, जिनके साथ हमें वारंटीज़ वगैरह हम लोग अपने क्लाइंट्स को फॉरवर्ड करेंगे, हम लोगों ने वो बीच में सारे एडजस्ट किए हैं. ठीक है, आए आपको साथ मास्टर बेड के अंदर आपको दिखाते हैं. तो ये कमरा तो बड़ा जी कन्वीनियंट बड़े साइज का लग रहा है, व्हाट्स द साइज ऑफ द रूम? इट्स 11x14 उमर भाई. फुल साइज बेड रखने के बाद भी आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस बचती है. आपकी एलसीडी के लिए हम लोगों ने जनाब ये फ्रंट वॉल के ऊपर आपके पास प्रॉपर हमने इनग्रेव में प्रॉपर स्पेस तैयार की है, जिसकी आपकी सारी वायरिंग हुआ होगी, स्विचेस वगैरह सारे इक्विप्ड होंगे, किसी चीज़ के आपको लाने की जरूरत नहीं है. जस्ट बाय योर एलसीडी एंड हैंग इट ऑन, उसके ऊपर जनाब आप करें और इसको प्लग एंड प्ले वाला सारा सीन है. वार्डरोब्स के बारे में बता दूं तो आपके पास बड़ी ही ह्यूज साइज की हमने यहाँ पे वार्डरोब, ये तो मतलब एक कनाल के घर में जो होती है साइज ये वही है जिसके अंदर हम लोगों ने रखे हैं. अमूमन तौर पे 5 मरले घर के अंदर 2 shutter जो वार्डरोब्स होते हैं वो होते हैं. आप अमूमन किसी भी घर के अंदर एक्सपीरियंस करेंगे फुल साइज शटर जो है वो किसी भी एक्सपीरियंस नहीं किए हुए. ठीक है, इसमें आपके पास ऑफ सीजन रखने के लिए फ्रॉम मतलब फ्लोर टू
रूफ तक की नहीं, हम लोगों ने फुल साइज हमने वाटरप्रूफ रखी है, इसमें भी हमने किसी किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं, कोई बचत वाली सीन नहीं है यहाँ पे। उनकी सारी स्पेसिस बनी हुई है। ये आपके बिल्कुल सामने आपका ड्रेसिंग है, ठीक है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर आपको शेल्फ दे दी गई है, नीचे कैबिनेट्स वगैरह दे दी गई है, आपकी ड्रॉज वगैरह दी गई है, यस एग्जैक्टली, यहाँ आपका वो ड्रेसिंग टेबल की तरह ही यूज होता है जी, एग्जैक्टली, हर रूम के साथ फुल साइज जो एक स्टैंडर्ड साइज आपकी जो विंडो है फॉर वेंटिलेशन वो आपके पास अवेलेबल होगी। आप वॉशरूम्स के अंदर देखें कि कलर थीम को बहुत ज़्यादा उसको मतलब माइंडसेट में रखते हुए कि स्पेस को जितना आप लाइट कलर से बीच में मैनेज करें, हमने उसके अंदर पूरा उसके अंदर कोशिश की है। आप वैनिटीज़ देखें, वैनिटीज़ की फिनिशिंग वगैरह देखें, वाटर ड्रेनेज की पाइप्स वगैरह के एडजस्टमेंट्स देखें, हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया कि आने वाले वक्त में मैक्सिमम यूजेज के अंदर भी ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट करें आपको। देखिए जी, इसका बिल्कुल ऐसा लगता है कि जी मैं एक अच्छे डिज़ाइंड एक्सपेंसिव 5 मरले के घर की जो कैटेगरी है उसके अंदर आपकी वजह से तो बड़ा ये स्पेशियस फील हो रहा है। इसकी थीम बड़ी मज़े की, ऑल लाइट कलर्स हैं, इट सीम्स एम्पल विंडोज एंड सनलाइट एंड विंड फैक्टर सारी चीज़ें इसके अंदर देखी गई हैं, और बेडरूम साइज आर ऑल्सो लार्ज, सो आई जस्ट थिंक दैट दिस इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर समबडी वांट्स टू लिव हियर एंड दे विल एंजॉय गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। और असल बात सारी ये कि जी एक वैल्यू प्रोपोजिशन है ये, जो बंदा रिटर्न भी करना चाह रहा है, रेंटल यील्ड के ऊपर भी ये चीज़ बड़ी अच्छी आपको रिटर्न दे रही है। सो लेट्स एक्सप्लोर द अदर बेडरूम जी। दिस इज सेकंड बेड भाई। She has got a nice view to the park. सीधा इसका view है पार्क का। 13 कनाल का पार्क है आपकी बिल्कुल आपकी लेफ्ट साइड पे, जैसे ही ये आपकी जो कम्युनिटी स्टार्ट होती है तो राइट लेफ्ट द स्ट्रीट आपके पास 13 कनाल का आपके पास एक पार्क जो है जो सोसाइटी ने डेडिकेट किया बी ब्लॉक को, वो आपको मिलता है उसके बिल्कुल बैक साइड के ऊपर जो कि सोसाइटी के बिल्कुल फ्रंट पे आता है बेसिकली, लेकिन यहाँ से मैं आपको बैक बता रहा हूँ, फूड कोर्ट का एरिया आपके पास आपको यहाँ से मिलता है, ठीक है, वो सारा डेवलप हो रहा है, वो भी अपनी फिनिशिंग की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस वगैरह आपके गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो ये मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि एक रेजिडेंट को आगे चल के फैसिलिटेट करती हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें ना 2 विंडोज़ हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ ये कॉर्नर का यूनिट है, तो इस वजह से इसका इसके अंदर ये एक्स्ट्रा चार्म है, टेबल के ऊपर आपको अवेलेबल करके दें। आप इसका वॉशरूम के अंदर जो टाइल साइजेस हैं, और भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ उसको मिस ना करें, उसको देखें एक दफ़ा, बहुत ही नाइस तरीके से कलर्स जो स्कीम है उसको मैनेज किया गया है। सेकंड आपने जो चीज़ इंजॉय करनी है, जो देखनी है, जो ऑब्जर्व करनी है, वो ये कि हर वॉशरूम के अंदर विंडो एंड देन आफ्टर आपको साथ एक एग्जॉस्ट, ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि एक अच्छे आर्किटेक्ट की बड़ी थॉटफुल प्रोसेस के साथ जो बंदा प्लान करते हैं ना फॉर द रेजिडेंट्स, यही वो छोटी छोटी चीज़ें जो लॉट ऑफ डेवलपर्स या लॉट ऑफ बिल्डिंग्स हैव मिस्ड दैट। तो इधर मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह डिस्पाइट द प्राइस पॉइंट डिस्पाइट एवरीथिंग इनकी जो डिज़ाइन एलिमेंट इज अमेजिंग इमैक्युलेट है एंड नो डाउट एब्सोल्युटली। अच्छा जी, वी आर ऑन द रूफटॉप। रूफटॉप के ऊपर हमने देख लिया, अपार्टमेंट देख लिया, फ्रंट फसाद देख लिया, सोसाइटी थोड़ी सी देख ली हमने, ऊपर रूफटॉप पे क्या प्लान करें, फैसिलिटीज अमेनिटीज क्या है इस बिल्डिंग के अंदर? अच्छा, इसमें ऐसे है कि आपको पता है कि अमूमन तौर पे अपार्टमेंट लिविंग के अंदर आपके पास कुछ चीज़ों की लिमिटेशन आ जाती है, जिसमें सबसे पहले हम अगर डिस्कशन करें तो लॉन्ड्री की आ जाती है, तो डेवलपर ने एक एक्सक्लूसिविटी जो थोड़ी सी अपने रेजिडेंट्स को जो ऑफर कर रहा है, जो कि वो बहुत ज़्यादा आगे चल के उनके लिए आसानी पैदा करेगी। आप इसको देखें कि जैसे आप ममटी के ऊपर आप आते हैं, जैसे आप मतलब रूफटॉप पे आते हैं, तो दोनों बिल्डिंग्स के लिए डेडिकेटेड एक आपके पास एक वॉशिंग एरिया जो है उसने डेडिकेट किया है, क्योंकि अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो हर बिल्डिंग के अंदर 3 यूनिट होंगे एक साइड पे, अगर टोटल बिल्डिंग की बात की जाए तो टोटल 6 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स को फैसिलिटेट करेगा ये वाला आपका वॉशिंग एरिया, और 3 यूनिट्स को इसके ऑपोजिट। एग्जैक्टली, ये मैंने अभी तक किसी वैसे बिल्डिंग में ऐसे एग्जैक्टली ये बेसिकली समझ लें कि डेवलपर को कॉस्ट पड़ रही जिसको वो चार्ज नहीं कर रहा। बिल्कुल सही है, ठीक है, जैसे आप सिर्फ सिस्टम पे कर रहे हैं अपने यूनिट के सिर्फ उन डेडिकेटेड एरियाज को जिसको जो वॉल टू वॉल आपको हैंड ओवर हो रहा है, बट उसके बाद जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो डेवलपर को कॉस्ट पड़ रही है बट वो आपको चार्ज नहीं कर रहा। बिल्कुल सही है। सेकंड, ये वाटर टैंक के हवाले से अगर बात की जाए तो अमूमन तौर पर आपको पता है कि पानी के हवाले से हर किसी के कंसर्न्स होते हैं कि यार पानी के हवाले से क्या है, हमारा म्यूचुअल टैंक होगा, कौन कितना कंज्यूम करेगा, कौन कितना कंज्यूम नहीं करेगा, तो ये हर किसी की अपनी अपनी यूजेज पर डिपेंड करता है, बट इस चीज़ के लिए इस चीज़ के फैक्टर को मतलब से मिटिगेट करने के लिए डेवलपर ने क्या किया कि जी 3 डेडिकेटेड टैंक्स हर अपार्टमेंट को दे दिए गए,
मतलब ये एक बिल्डिंग है जो तीन यूनिट्स हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का एंड सेकंड फ्लोर का। 1000 लीटर का जो टैंक है ये 3000 लीटर का टैंक बन जाना है, उसका अच्छा खासा स्टैटिक वेट बनना है। तो उसने एक तो वाटर सीपेज के हवाले से, सेकंड वेट के हवाले से उसने फ्लोर के ऊपर मतलब रूफ टॉप के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की स्लैब डाली है, ताकि ये दोनों हवाले से जनाब आपको सिक्योरिटी मतलब इसकी जो बेनिफिट आप। अच्छा, ये एक अच्छा खासा रूफ टॉप है, इसका साइज भी बिल्कुल ठीक है, तो इधर हम क्या प्लान कर रहे हैं? आपके पास आपका बारबेक्यू एरिया डिसाइड हो रहा है एंड इन बिटवीन जो एरिया बन रहा है आपके पास, ये कुतुब मीनार 8 फुट का एरिया बन रहा है और ये 625 फीट तक आपको वॉकिंग ट्रैक देने वाला है जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं स्पेशली फॉर फीमेल्स। बिल्कुल सही, तो ये सारी बिल्डिंग इंटरकनेक्टेड होंगी और एक ही वो वॉकवे बनेगा, पूरा वॉकवे बनेगा तकरीबन मोर देन हाफ अ किलोमीटर एग्जैक्टली, और वो सिंगल वॉकवे बैक एंड फोर्थ का 8 फुट का ट्रैक है exactly. उसके ऊपर यहाँ कोई पार्क है, कोई सिटिंग एरिया बनेगा ऊपर? एग्जैक्टली उमर भाई, मैक्सिमम जितनी भी सिटिंग एरियाज जो जो डिसाइड की गई हैं, जैसे ही आपका ये जो बारबेक्यू एरियाज हैं इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे स्लैब्स डालेंगी जिसके ऊपर कोई तकरीबन 8 से 9 लोग बड़े कन्वीनियंटली बैठ सकते हैं, ठीक है? और जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक है, ये थ्रू आउट मतलब ये एक 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 ब्लॉक के लिए ये है, इसके बाद फिर सेकंड ब्लॉक का शुरू हो जाएगा, फिर थर्ड ब्लॉक का, फिर फोर्थ ब्लॉक का, 13 कनाल का आपके पास ही आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास एक आपके पास पार्क आ रहा है जो डेडिकेटली सोसाइटी ने फैसिलिटेट करवाया अपने सारे रेजिडेंट्स को। तो 20 फुट दूर है हमारी बिल्डिंग से, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बिल्कुल। और इसके साथ जो दूसरी एक्सक्लूसिविटी है जो इसको बहुत ज़्यादा आगे जाके एड ऑन देने जा रहा है इस पूरी बेल्ट को, राइट कॉर्नर के ऊपर हमारे पास मियावाकी डेवलप हो रहा है विच इज 41 कनाल फॉरेस्ट, ठीक है? और ये सोसाइटी ने डेडिकेट कर दिया है। मियावाकी का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा कि आने वाले टाइम के अंदर जब ये अपनी फुल पीक पे या फुल डेवलप जब हो जाएगा, फुल ग्रोन हो जाएगा ये फॉरेस्ट, तो आपको ऑक्सीजन के हवाले से और एनवायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से कितना ज़्यादा आपको फैसिलिटेट करने वाला है। कार्बन न्यूट्रल जो कॉन्सेप्ट है आजकल जो चल रहा है, ये जापानीज बेसिकली कॉन्सेप्ट है मियावाकी का। बिल्कुल सही है। तो ये जो पूरी स्ट्रिप्स हम देख रहे हैं, ये पूरी रो और ये पूरी रो, ये सारे टाउन हाउसेस बन रहे हैं जी, exactly. और यही यहाँ से सारे इंटरकनेक्टेड हैं जी। सो दिस ओके, सो यहाँ हमारे पास पार्क भी है इन टर्म्स ऑफ लाइक लॉन जो होता है रूफ टॉप के ऊपर, हम लॉन भी बना रहे हैं बेसिकली जो आपको जो वॉकिंग ट्रैक दिए जा रहे हैं बेसिकली उनके बीच में आपको पता है वो आर्टिफिशियल ग्रास होते हैं जो वो उनको बीच में एडजस्ट किया गया है ताकि ऊपर की जो रूफ टॉप की मैक्सिमम जो खूबसूरती है उसको अटेन किया जाए, और प्लस जो हीट डिसिपेट होती है उससे कि अगर आपके ऊपर अगर वो रूफ सीलिंग की गई है यहाँ पर, और आपको पता है कि लेंटर से नीचे तकरीबन हमने 9 इंच की डेप्थ के बाद हमने POP स्टार्ट किया है ताकि हीट बैरियर रहे, वो जो हीट डायरेक्टली रूफ पे पड़ती है, बिकॉज लोगों का कॉन्सेप्ट होता है ना सेकंड फ्लोर पे जी गर्मी बहुत है, तो गर्मी के अंदर बेसिकली आप देखें जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं बेशक जितना मर्जी ऊपर चले बिकॉज दे आर सो वेल इंसुलेटेड सो वेल डिजाइंड उनको ये प्रॉब्लम नहीं आता, तो इसके अंदर भी उन्होंने माशाल्लाह 9 इंचेस का गैप रखा है जिसके साथ मैक्सिमम आप अपनी जो है ना वो हीट को आप जो कंट्रोल हो सकती है उसके साथ। सेकंड ऑफ ऑल उमर भाई, अगर आप फैसिलिटी मतलब सोसाइटी को 360 व्यू में अगर आप इसको देखें तो आप इसके देखिए कि सी ब्लॉक के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो फुल ऑन पीक है, उसके ऑपोजिट A1 ब्लॉक के अंदर भी जनाब आपके पास जो रेजिडेंट्स हैं वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये बी ब्लॉक है जिसके अंदर ये बन रहा है। अमूमन तौर पर टाउन हाउसेज आपके पास पहले भी डिस्कस हुआ था, अमूमन तौर पर टाउन हाउसेज बाउंड्रीज पर डेवलप होते हैं, दिस इज इन बी एग्जेक्टिव ब्लॉक। आप जैसी सोसाइटी में एंटर होते हैं तो राइट लेफ्ट के ऊपर पहला ब्लॉक आपके पास बी ब्लॉक आता है, ये बी ब्लॉक का एग्जेक्टिव ब्लॉक है विच इज एक्सटेंशन, तो टेक्निकली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइम ब्लॉक्स ऑफ द सोसाइटी जिसके अंदर हम ये दे रहे हैं जी, exactly. क्योंकि बाकी जितनी मैंने सोसाइटीज देखी हैं टाउन हाउसेज यूजुअली अंदर होते हैं घर जी, प्राइम एरियाज में सारे घर होते हैं 5-10 मरला 10 मरला 1 कनाल 2 कनाल और बिल्कुल बाउंड्रीज और सराउंडिंग्स के ऊपर टाउन हाउस मैंने हमेशा यही देखा है। सेकंड मैं आपको बताना चाहूँगा आपके व्यूवर्स को कि ये जो पार्क एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी है ये LD स्ट्रक्चर रोड के ऊपर डेवलप हुई हुई है, ठीक है? आने वाले वक्त के अंदर मेन फिरोजपुर रोड से एलीट टाउन से वो जो उनकी जो मेन बुलेवार्ड है वो दैट विल बी कंसिडर एज LD स्ट्रक्चर रोड, वहाँ से मेन वो रोड कनेक्ट करेगी सीधा पार्क एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एंड दैट विल कनेक्ट विद लेक सिटी M8 ब्लॉक। बिल्कुल सही है। आने वाले वक्त के अंदर ये जो स्ट्रक्चरल रोड है पार्क एवेन्यू के रेजिडेंट्स को डायरेक्ट थ्रू करेगा सीधा पाइनवुड रोड के ऊपर। अच्छा, विदिन 10 मिनट्स। अच्छा, तो उसका मतलब फॉर मी टू गो इनटू लेट्स से टुवर्ड्स ठोकर टुवर्ड्स जोहर टाउन टुवर्ड्स एनी ऑफ दीज एरियाज DHA रायबर हो गया मेरे लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा फॉरवर्ड रास्ता बनेगा। अमूमन तौर पे अभी आप यूज़ कर रहे हैं रिंग रोड यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जब स्ट्रक्चर रोड कनेक्ट कर देता है इन सारे गैप्स को तो आने वाले वक्त के अंदर ये आप खुद ही देखें कि ये आपकी प्रॉपर्टी को आपकी इन्वेस्टमेंट्स को क्या पुश देने वाला है। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है।